आरबीआई की अहम बैठक। स्वच्छता अभियान को चले हुए 2 साल हो चुके हैं और इसी अभियान का एक हिस्सा है कि हर घर में शौचालय हो, खुले में शौच से मुक्ति मिले। और इस दिशा में झारखंड के चतरा जिले के पत्थलगढ़ा प्रखंड में खुले में शौच से मुक्त प्रखंड होने का गौरव हासिल किया है। ग्रामीणों ने कैसे ये सफलता हासिल की, आइए देखते हैं। झारखंड के उग्रवाद प्रभावित चतरा जिले के पत्थलगढ़ा प्रखंड में आज बदलाव की तस्वीर साफ नजर आती है। पत्थलगढ़ा प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हो गया है। हर आशियाने में सरकारी खर्च पर पक्का शौचालय बनाया गया है। पत्थलगढ़ा प्रखंड के बरवाड़ी व सिंघानी समेत कई पंचायतों के ग्रामीणों के लिए 100% पक्के शौचालय मुहैया करा दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों को खुले में शौच से सावधान रहने की हिदायत दी। कई कार्यक्रम चलाए गए ताकि लोगों को खुले में शौच से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन की इस मुहिम में इस प्रखंड ने दूसरे अन्य प्रखंडों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, कामयाबी हासिल करने पर पंचायत के मुखिया को जिला प्रशासन ने पुरस्कृत भी किया है। प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वस्थ अभियान जो चलाया गया था वो हमारे पत्थलगढ़ा प्रखंड के सिंघानी पंचायत में बहुत अच्छा रहा। हर घर में शौचालय हो गया है, हम लोग बीमारी से मुक्त हो गए हैं। पहले था ना कि कुछ ऐसा संकोच रखता था, लेकिन अब नहीं, अब उसमें बहुत जाना ये प्रारंभ कर दिया है। और कुछ हम लोग जिसे मोटिवेट कर रहे हैं कि शौचालय में जाने से क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है, तो लोग समझ भी रहे हैं और विशेष करके उसका सदुपयोग करना शुरू कर दिया है। सरकारी शौचालय निर्माण का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को हुआ है। पहले रात में डर के साए में शौचालय जाने को मजबूर थी। खुले में शौच की समस्या बुजुर्गों और दिव्यांगों के आड़े भी आती थी, लेकिन अब अपना शौचालय होने से दिक्कतें कम हुई हैं। लोग स्वच्छता मिशन से जागरूक होकर अपने खर्च पर भी पक्के शौचालय बना रहे हैं। शौचालय बनने के बाद हम लोग के तो आराम हो गया है, बहुत आराम हो गया है। बीमारी से भी बचते हैं और सब परिवार घरे सुखी से रहते हैं। तनी खेत बारी में जाने से बीमारी से बचते हैं। नक्सल प्रभावित इस प्रखंड में स्वच्छता को लेकर जनभागीदारी काबिले तारीफ है। धीरे धीरे सफाई की ये मुहिम लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए ना, खुले से शौच से मुक्त हो रहे हैं देश के दूर दराज के इलाके भी।